जोजो किड्स। जादुई जूते। एक दिन सोनू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे जूते टूट गए हैं, कब से इन्हें चला रहा हूँ, मुझे नए जूते कब दिलाओगी? मुझे खेल प्रतियोगिता में भाग लेना है, जानती हो वो कल ही तो है। बेटा मैं बहुत जल्द तुम्हें जूते दिला दूंगी। पर ऐसा तो तुम कब से कह रही हो। इस बार सच में दिला दूंगी, अभी तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो चलो जल्दी करो। अच्छा माँ मैं जाता हूँ। सोनू स्कूल के लिए निकल गया। तभी उसे रास्ते में याद आया कि वह अपनी पानी की बोतल घर भूल आया है। अरे मेरी बोतल, दौड़ कर ले आता हूँ, नहीं तो पूरे दिन प्यासा रहना पड़ेगा। जैसे ही सोनू दौड़ता हुआ घर पहुँचा, उसने देखा उसकी माँ रोती हुई भगवान से कह रही थी, हे भगवान हमारी गरीबी कब दूर होगी, एक ही बेटा है, उसकी भी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती। सोनू को अपनी माँ की हालत समझ आ गई, लेकिन अब तो दौड़ लगाने के कारण उसके जूते और भी ज्यादा फट चुके थे। सोनू स्कूल भी देरी से पहुंचा, इसीलिए उसे कक्षा के बाहर कर दिया गया था, और जूते ना होने के कारण अब वो अगले दिन होने वाली प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने वाला था। छुट्टी के बाद सोनू रास्ते में उदास चल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से चूजे पर पड़ी जो घायल दिख रहा था। सोनू ने अपने जूते से सहारा देते हुए उस छोटे से चूजे को पानी भी पिलाया और एक पेड़ के पास छोड़ दिया। तभी वहाँ उस चूजे की माँ चिड़िया वहाँ आ गई। सोनू तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, तुमने अपना जूता तो मेरे चूजे को दे दिया, अब तुम क्या पहनोगे? मुझे जूते की जरूरत नहीं, मेरे पास तो और बहुत से जूते हैं, मुझे इसकी मदद करके बहुत खुशी हुई। अगर तुम ना आते तो कोई ना कोई अपने पैरों तले मेरे बच्चे को मसल देता। चिड़िया ने तुरंत जादुई जूतों का एक जोड़ा सोनू को दे दिया। ये लो ये तुम्हारे लिए नए जूते, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये कोई मामूली जूते नहीं, ये जादुई जूते हैं, तुम इनका इस्तेमाल जहाँ भी करोगे तुम ही प्रथम आओगे। अब सोनू बहुत खुश था, उसने घर जाकर अपनी माँ को जादुई जूते दिखाए, और अब स्कूल की हर दौड़ प्रतियोगिता में सोनू ही प्रथम आने लगा। जादुई आम। एक दिन एक आम के पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा, वह देखने में एकदम सुनहरा था, जो भी उसे देखता उसे ही देखता रह जाता, सभी आम उसकी सुंदरता से जलने लगे। देखो यह आम कितना बड़ा है और सुंदर भी। हाँ सब इसे ही खाना चाहते हैं, हमें तो कोई देखता भी नहीं। तभी एक आम ने सुनहरे आम से पूछ लिया, तुम इतने सुंदर कैसे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जादुई आम है और मेरे जादू के कारण ही सब मुझे पाना चाहते हैं। जादुई आम को खुद पर बहुत घमंड था, वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और ना ही किसी से ज्यादा बात किया करता था। वो कौन खुश नसीब होगा जो मुझे खाएगा। एक दिन वहाँ के राजा सैर पे निकले, उसने रास्ते में जादुई आम को देखा। अरे वाह यह तो बहुत सुंदर आम है। जादुई आम ने अपने जादू से खूब चमकना शुरू कर दिया। काश ये राजा मुझे खा ले। राजा ने जादुई आम के जादू से प्रभावित होकर उसे तोड़ लिया और अपने मंत्री से कहा, जाओ जाकर इस आम को प्रदर्शनी के लिए लगाओ, जिससे सभी इसकी खूबसूरती देख सकें। पर महाराज आप इसे खाएंगे नहीं? नहीं, आप बाकी के आम मेरे लिए तोड़ सकते हैं, मैं इन्हें जरूर खाऊंगा, ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। यह सुनकर जादुई आम बहुत उदास हो गया, उसने राजा से बात की, आप मुझे क्यों नहीं खाना चाहते महाराज? हाँ, तुम सुंदर हो इसमें कोई शक नहीं, पर तुम फलों के राजा हो, एक राजा को हमेशा पहले अपनी राज्य के बारे में सोचना चाहिए,
मगर तुम इन सभी आमों को खुद से कम समझते रहे हो, यही तुम्हारी भूल है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, समझे? और इस तरह जादुई आम को प्रदर्शनी के लिए लगा दिया। सभी उसकी खूबसूरती तो देखते मगर उसे किसी ने खाया नहीं। चांदी के अंडे। एक दिन रामू बाजार से एक मुर्गी खरीदने गया, पर उसके पास पैसे थोड़े कम थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। क्या आप इन पैसों में मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? अरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, इन पैसों में यह मुर्गी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो, मेरे पास एक लंगड़ी मुर्गी है, उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो इन पैसों में। राम मान गया और अपने साथ लंगड़ी मुर्गी को ले आया। रामू उसे बहुत प्यार से पालता था, अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन मुर्गी ने चांदी का अंडा दिया। रामू अंडे को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे ये अंडा तो चांदी का है, एक मुर्गी चांदी का अंडा कैसे दे सकती है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन फिर से मुर्गी ने एक और चांदी का अंडा दिया। इस बार रामू को लगा, लगता है ये जादुई मुर्गी है, पर सबसे पहले मुझे इस अंडे को बेचकर इसका पैर ठीक कराना चाहिए। रामू ने चांदी का एक अंडा बेच दिया और मुर्गी का इलाज करवाया। बहुत जल्द मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी रामू से बहुत खुश थी। उसने रामू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा इलाज करवा दिया, अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगे? हाँ हाँ बोलो। मुझे खुद से दूर मत करना, मैं हर रोज तुम्हें चांदी का अंडा दूंगी। नहीं नहीं, ये अंडा मेरे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। ये चांदी का अंडा मुझे लालची बना देगा, मुझे तो छोटे छोटे चूजे बहुत पसंद हैं, और तुम्हारे अंडे भी, मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मुर्गी ने कहा, ठीक है रामू, जैसा तुम कहो, मैं दोबारा अपनी जादुई शक्ति की सहायता नहीं लूंगी और हमेशा तुम्हें अच्छे अच्छे अंडे दूंगी। इस तरह जादुई मुर्गी ने अपना सारा जादू त्याग दिया और रामू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लालची शहद वाला। एक गांव में एक शहद वाला रहा करता था, पवन उसका नाम था। उसकी शहद बेचने की एक दुकान थी। हर रोज वह शहद की तलाश में जंगल में जाता और खूब सारा शहद इकट्ठा करके बेच देता। पवन हमेशा शहद तोलते समय ग्राहक को बातों में लगा देता और कम शहद तोलता। उसने अपने वजन कांटे पर चुंबक भी लगा रखी थी, जिस कारण पूरे पैसे देने पर भी लोगों को पूरा शहद नहीं मिल पाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन गांव में एक और शहद की दुकान खुल गई। अब सभी गांव वाले उस नई दुकान से शहद खरीदने लगे। अरे यह क्या, सभी गांव वाले तो इसकी दुकान पर जा रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, मुझे तो कुछ करना होगा। पवन उस नए दुकानदार से बहुत जलन करने लगा। नया दुकानदार, जिसका नाम श्याम था, बहुत अच्छा था। वह सभी ग्राहकों को हमेशा खुश रखता और वजन के मुताबिक ही पैसे लेता। गांव वाले श्याम की ईमानदारी से बहुत खुश थे। अरे बहन, जानती हो, इतने पैसे में पवन की दुकान से जरा सा शहद मिलता था, लेकिन श्याम उतने ही पैसों में दुगना शहद देता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इतने समय से पवन हमें ठग रहा था। एक दिन पवन ने बदले की भावना से श्याम की दुकान पर चींटियां छोड़ दी, जिससे उसका सारा शहद बर्बाद हो गया। अब फिर से पहले की तरह ग्राहक पवन की दुकान पर आने लगे। एक दिन वहाँ के राजा श्याम की दुकान पर पहुँचे और कहने लगे, मैंने तुम्हारे शहद की बहुत तारीफ सुनी है, जरा मुझे भी चखाओ। पर श्याम के शहद पर तो चींटियां लगी हुई थी। वह राजा से कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है,
गांव का सबसे स्वादिष्ट शहद तो पवन के पास है। श्याम राजा को पवन की दुकान पर ले गया। वहां पहुंचकर राजा ने पवन का सारा शहद खरीद लिया। यह श्याम कितना अच्छा इंसान है, मैंने लालच में आकर इसका कितना नुकसान किया, मगर इसने राजा के सामने मेरी कितनी तारीफ की और सारा शहद बिकवा दिया। पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और श्याम के पास चला गया। माफ करो दोस्त, मैंने ही तुम्हारी दुकान पर चीटियां छोड़ी, तुम्हारा इतना नुकसान किया, फिर भी तुमने महाराज के सामने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे माफ करो। तुम्हें अपनी भूल का एहसास है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तुम्हारा शहद वाकई में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, बस तुम शहद की तरह अपने व्यवहार में मिठास ले आओ, फिर देखना काम करने में कितना मजा आएगा। आओ पेड़ लगाएं। एक दिन राजा शेर बहुत परेशान था। उन्हें जंगल में कट रहे पेड़ों से बहुत चिंता होने लगी थी। शेर ने एक सभा का ऐलान किया। सभी जानवर सभा में आए और राजा शेर ने उन सभी से कहा, मुझे जंगल में लगातार कट रहे पेड़ों से बहुत दुख पहुंचा है। ये पेड़ ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे जंगल और हम नहीं होंगे। आप सब भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। राजा जी की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं भी राजा जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना होगा राजा जी, पेड़ तो लगातार कट रहे हैं। मेरे पास एक उपाय है, हम सबको मिलकर एक अभियान शुरू करना होगा। अभियान? हाँ, हम सबको बरसात से पहले पूरे जंगल में हर जगह पेड़ लगाने होंगे। सभी जानवर शेर की बात का आदर करते हैं और बरसातों से पहले जंगल में हर तरफ पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे हर तरफ हरियाली बढ़ती जाती है और सभी जानवर मिलकर शेर को आकर धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे राजा कितने महान हैं, कितनी अच्छी अभियान की शुरुआत उन्होंने की और आज सभी पेड़ों के साथ हम कितने खुश हैं। हाँ, हर तरफ हरियाली है, ये पेड़ लगाना हम कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये अभियान कभी बंद नहीं होना चाहिए। चलो हम सबको चलकर राजा जी का धन्यवाद करना चाहिए। सभी जानवर मिलकर राजा शेर के पास पहुंचते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। राजा जी, ये सब आपकी सूझबूझ के कारण हुआ है, हम सब आपका धन्यवाद देने आए हैं। मैं अकेला भला क्या करता अगर आप सब न होते, यह सब आप सबकी मदद के बिना तो असंभव था। यह हरा भरा जंगल यही हमारी पहचान है, हम पक्षी पशु इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। राजा जी, हम इस अभियान को कभी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ कि यह अभियान कभी बंद ना हो। आओ पेड़ लगाएं। प्लीज सब्सक्राइब।